जवाहर नवोदय विद्यालय 30 अप्रैल का एंट्रेंस एग्जाम्स देने वाले छात्रों और अभिभावकों के मन में रिजल्ट की डेट को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। आखिरकार इसका रिजल्ट जो है कब घोषित किया जाएगा जवाहर नवोदय विद्यालय समिति की ओर से। तो जो हमने इंफॉर्मेशन प्राप्त की है उस जानकारी के अनुसार हम आपको बताएंगे कि इसका रिजल्ट कब और किस तरीके से घोषित किया जाएगा, कितने चरणों में इसकी मेरिट बनती है, कैसे इसकी कट ऑफ बनती है और क्या जो कट ऑफ का सर्वे निकल कर के आया है, जो परिणाम निकल कर के आया है उसमें क्या रिजल्ट निकल कर के आया है। गणित ने छात्रों को जो है यहाँ पर अच्छा खासा परेशान किया है। सबकी जो यहाँ पर ज़्यादातर कमेंट्स आए हैं छात्रों की जो दुविधा आई है वो गणित वाले सेक्शंस को लेकर के आई है, तो इस पर भी आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। आखिरकार कितने अंकों पर सिलेक्शन को लेकर के अभिभावक आश्वस्त रहें, छात्र आश्वस्त रहें और किस तरीके से किस कंडीशंस में आपको जो है अपनी तैयारी रखनी चाहिए, आपको कब तक इसका प्रवेश मिल सकेगा। तो देखिएगा जवाहर नवोदय विद्यालय समिति की ओर से जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार एक फिक्स डेट इसकी नहीं बताई गई है कि आपका जो 30 अप्रैल को एग्जाम्स हुआ है उसका रिजल्ट कब घोषित किया जाएगा। लास्ट टाइम कोरोना के कारण इसका जो रिजल्ट था वो काफ़ी ज़्यादा लेट घोषित किया गया था, लेकिन आमतौर पर जिस तरीके से समिति ने कहा है कि इस बार जो है शेड्यूल जो है समय के अनुसार चल रहा है और इसका रिजल्ट भी समय से ही घोषित किया जाएगा, तो इसका जो सकारात्मक परिणाम है वो 2 महीने के बाद आपका जो है लगभग यहाँ पर JNV जारी करता है रिजल्ट। तो कहीं ना कहीं ये इशारा करता है कि आपका जो रिजल्ट है वो जून 2022 के लास्ट वीक में आपका जो है परिणाम आ सकता है, या फिर आपका जो है जुलाई 2022 के फर्स्ट वीक में आपका आ सकता है। तो ये जो कंडीशंस है ये जवाहर नवोदय विद्यालय समिति की ओर से बताई गई है कि इस समय आपका रिजल्ट घोषित किया जाएगा और जल्द ही इसके लिए ऑफिशियल डेट भी अनाउंस कर दी जाएगी। तो आप जो मान करके चलिएगा कि 25 जून से आपका जो रिजल्ट है वो 10 जुलाई के अंदर इन 15 दिनों के अंदर आपका घोषित किया जा सकता है। उसके बाद आपका जो जुलाई में ही आपकी जो है प्रवेश की प्रक्रिया कंप्लीट होगी और आपका जो प्रवेश है यानी कि एडमिशन है उसकी प्रक्रिया जो है यहाँ पर जुलाई के अंदर ही आपकी कंप्लीट कर ली जाएगी। जुलाई के बाद आपकी जो लिस्ट है वो JNV जारी करेगा, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे रह जाते हैं जो एडमिशन नहीं लेते हैं, यानी कि खाली सीट आपकी रह जाती हैं। मान लीजिएगा किसी जवाहर नवोदय विद्यालय में 80 सीटों में से एडमिशन जो हुए हैं वो 74 हुए हैं, कुछ अभिभावक जो हैं अपने छात्र की तर्क शक्ति या इस तरीके की क्षमताएं बढ़ाने के लिए ही इस तरीके के एंट्रेंस एग्जाम दिलाते हैं, वो एडमिशन नहीं कराते हैं, या कुछ अभिभावकों की मजबूरी बन जाती है कि वो एडमिशन नहीं दिला सकते हैं, या बच्चा उनका जो है इस तरीके की कंडीशन में नहीं होता है कि वो बाहर अकेला रह सके, जिस कारण ये सीटें खाली रह जाती हैं। तो सेकंड लिस्ट इसकी आती है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो भी खाली सीटें हैं उसके लिए सेकंड लिस्ट आपकी आएगी, आपके ज़िले के आपके जो नवोदय विद्यालय है उसी में घोषित किया जाएगा, और जो आपकी जो मेरिट बनी थी कट ऑफ बनी थी उससे कम अंक वालों का जो है फिर से जो भी आपकी सीटें खाली हैं या 4 या 5 सीटें हैं तो उसके लिए आपकी जो है सेकेंड लिस्ट आपकी आती है। तो ये कंडीशंस आपकी जवाहर नवोदय विद्यालय समिति की ओर से रिजल्ट के अनुसार घोषित की जाती है। अब बात कर लेते हैं आपके जो क्वेश्चन पेपर है और आपकी जो मेरिट है उस पर क्या हिसाब बन रहा है। तो देखिएगा मैंने कि जैसा कि सर्वे कराया उसमें जानकारी प्राप्त हुई, छात्रों ने अपना जो परिणाम यहाँ पर दिया सकारात्मक, तो उसमें जो है आपके जो है तीनों सब्जेक्टों को लेकर के यहाँ पर हमने सर्वे कराया, तो आकृति वाला जो पोर्शन था इसमें जो सर्वे कराया है तो इसमें हमने जो है 3 चीज़ों को कॉमन रखा था। इसमें 40 क्वेश्चंस आपके थे, तो 40 क्वेश्चंस में से हमने जो आपको यहाँ पर 3 चॉइस आपको करने को दी थी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, कि भाई जिनके क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पर 35 से कम हैं तो 35 से कम वाले अभ्यर्थी कितने हैं, 35 से 38 के बीच के जो अभ्यर्थी हैं वो कितने हैं, और आपके जो हैं 38 से प्लस में अभ्यर्थी कितने हैं।
इसमें जो सर्वे के रिजल्ट आए हैं तो उसका जो परिणाम आया है वो देखिएगा, यहाँ पर 61% अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 35 से कम अंक लेकर के 35 से कम क्वेश्चन यहाँ पर हल किए हैं 40 में से आकृति में। दूसरा जो सर्वे आया है वो निकल करके ये आया है जिसमें कि 35 से 38 के बीच जो छात्रों की संख्या है वो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लगभग 27% के आसपास है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो आपका रिजल्ट बनता है वो देखिएगा 12% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा है कि हमारे जो परिणाम हैं वो 38 से प्लस क्वेश्चनों में आ रहे हैं, यानी कि 38 से प्लस क्वेश्चंस हमने सही किए हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो कंडीशंस बन रही है वो सिलेक्शंस की ओर ये वाला कॉलम जा रहा है, हालांकि ये अभी थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है, लेकिन ये अगर अन्य पार्टों में अपना जोर दिखाता है तो इनके भी सिलेक्शंस होने के चांस है। बाकी जो 35 से कम आ रहे हैं जिनके, तो उनका सिलेक्शंस के चांस जो हैं देखिएगा, मैं तो ये कहूँगा कि बहुत ही कम हैं। दूसरी कंडीशंस ये है, दूसरा सब्जेक्ट था आपका गणित। गणित के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया तो गणित में आपके जो है 20% थे, पर्सनों पर ये सर्वे हमने कराया है, अंकों पर नहीं कराया है, 20% थे, 25 अंकों के थे। तो अंकों को आप न लेकर के चले, क्वेश्चन पर यहाँ पर ध्यान देंगे। तो इसमें जो हमने क्वेश्चनों का सर्वे कराया तो 16 से कम वाले जो अभ्यर्थी थे वो कितने थे, और यहाँ पर 18 जो क्वेश्चन थे 16 से 18 के बीच वो कितने थे, और 18 से प्लस में अभ्यर्थी कितने थे। तो देखिएगा यहाँ पर जो परिणाम निकल करके आया है वो लगभग 72% अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके क्वेश्चन जो हैं 16 से कम हो पाए। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ये पार्ट था, क्योंकि यहाँ पर आप जो समझ सकते हैं कि दुगने क्वेश्चन हैं, 20 यहाँ हैं, यहाँ पर 40 थे, लेकिन छात्रों ने ज़्यादातर ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे परिणाम दिए, 35 से प्लस में गए। लेकिन यहाँ जो है 16 से कम में जा रहे हैं छात्र, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है यहाँ पर गणित के पार्ट में, काफ़ी ज़्यादा हार्ड माना जाए, या आप जो है टाइम की शॉर्टेज मान लें इसको, या अभ्यर्थी की कैलकुलेशन इतनी अच्छी नहीं होती है इस उम्र में, तो वो गलती हो जाती है, इसका जो आंसर है वो कम दे पाए। दूसरी है 16 से 18 के बीच जो सर्वे आया, तो इसमें जो निकल करके आया लगभग यहाँ पर जो है 24% अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने ये जो है 16 से 18 के बीच किए हुए हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो आपके 4% अभ्यर्थी ही ऐसा कह पाए हैं कि हमने जो है 18 से प्लस में स्कोर किया है। तो जो अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ भी 38 से प्लस में किया है, यहाँ 18 प्लस में किया है, तो उनकी दावेदारी जो है बहुत ज़्यादा मजबूत बन जाती है सिलेक्शंस के लिए। तीसरा जो पार्ट था वो था आपका देखिएगा यहाँ पर भाषा का। तो भाषा के आपके जो है 20% थे। अब इन 20% में जो आपका जो सर्वे निकल करके आया वही हमने किया, 16 से कम वाले कितने अभ्यर्थी थे, 16 से 18 तक कितने हैं, और 18 प्लस आपके कितने हैं। तो देखिएगा यहाँ से 16 से कम वाले जो अभ्यर्थी हैं वो लगभग यहाँ पर 36% ने ही आंसर दिए हैं कि हमारा जो है 16 से कम है। ये वाला पार्ट जो है काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थी थे, इसमें लगभग यहाँ पर जो है 55% अभ्यर्थी ऐसे आए हैं जिन्होंने 16 से 18 के बीच अपना जो है स्कोर बताया है। तो यहाँ पर जो आपके निकल कर के आए हैं परिणाम वो 18 से प्लस वाले अच्छे खासे आए हैं, और 19% अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने 18 प्लस में भाषा में अपना स्कोर किया है, चाहे आपकी हिंदी हो, इंग्लिश हो, या आपके स्टेट की लैंग्वेज हो। तो इस तरीके से यहाँ पर जो कंडीशन बनती है वो देखिएगा, तो कम से कम यहाँ पर आपकी जो कंडीशन बनती है वो देखिएगा, आप समझ सकते हैं कि 74 से 75 क्वेश्चन जिन लोगों ने किए हैं इस कॉलम में जो आ रहे हैं, जो कम परसेंटेज वाले हैं, उन्हीं का सिलेक्शन यहाँ पर होने की ज़्यादा प्रबल संभावना है। हालांकि यदि आपकी कैटेगरी SC ST या उस तरीके से है, आप किसी प्रकार के आरक्षण वर्ग में हैं, तो सेकंड वाले स्टेज में भी आपके जो है सिलेक्शन यहाँ पर हो सकते हैं। लेकिन ये जो थर्ड वाली स्टेज है इसमें आपके सिलेक्शन नहीं होंगे किसी भी कैटेगरी में। तो सीधे तौर पर हमने सर्वे का रिजल्ट भी आपके सामने घोषित कर दिया है, इससे पहले हमने आपके आंसर की डाली हुई है, आपकी कट ऑफ डाली हुई है, आप उसको चेक कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।